बोलने दे उसको। और हमारा यही था, हम ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। आज हमारा 19वां दिन है, एक भी इंसान। और परसों जिस तरह से हम लोगों पे लाठी चार्ज हुआ है, और ख़ास करके फीमेल टीचर्स को जिस तरह ब्रूचली मेल मेंबर्स ने घसीटा है और उनको मारा है, और कम से कम भी हमारे 25 से ज़्यादा टीचर अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। मैं इन ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आप हम पे अभी तो डंडे बरसाए ना, अगर गोलियां चलाने का मन है वो भी चला लो, लेकिन हम पीछे हटने वाले। जब यहाँ डिविजन कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठे हैं, आप उस मुतालबात को लेकर बैठे जो आपके मुतालबात हैं, या जो आप पे डंडे बरसाए गए उसको लेकर? हमारे दो ही बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मई महीने में हमारा प्रोटेस्ट चला था, तब डिपकॉम सर ने हमें 3 बार बुलाया था यहाँ पे, और जब उन्होंने बुलाया था हमने वहाँ पे मेमोरेंडम इनको रिप्रेजेंटेशन अपनी दी थी कि हमारी ये मांगे हैं। उसके 8 से 10 दिन बाद इन्होंने वो मेमोरेंडम एलजी साहब को भेजा था। हमारी पहली मांग यही है कि उस मेमोरेंडम का क्या हुआ, उसका जवाब हम तक क्यों नहीं पहुँचा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोई वर्कआउट ही नहीं कर रही है? अगर लोगों की प्रॉब्लम पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बोलना ही नहीं है तो कुछ करना ही नहीं, तो ये ऑफिसेस, ये कुर्सियाँ, ये क्यों बनाए हैं ग्रीवनेस सेल लोगों के लिए, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं कर सकते? और दूसरी मांग हमारी ये है कि जिस तरीके से हमारे टीचरों पे बर्बरतापूर्ण से लाठीचार्ज हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे संज्ञान क्यों नहीं लिया? इवन ये कंडेम्ड भी नहीं कर पाए कि, और इवन बीजेपी वाले भी नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी की दोनों की चाल है कि जब सारे लोगों को इन्होंने धरने प्रदर्शन पे लगा दिया है, आप शहर के किसी भी कोने में किसी भी चौक में चले जाओ, ये जो मंदिरों का शहर बनाया था ना एक दिन, ये आज धरनों का शहर बना दिया लोगों ने। ये सोने की चिड़िया अपने लिए इन्होंने बनाया है, इनके लिए सोना है, लेकिन हमें इन्होंने रोडों पे ला दिया। हमारे पास अगर सोने की चिड़िया होती हम भी खुशहाल होते, हमारा मन, हम स्कूल में जाने के लिए, स्कूल में काम करने के लिए हम रिक्रूट हुए हैं, ना कि धरने लगाने के लिए। तो मैं मीडिया के थ्रू यही एक संदेश देना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे वो एलजी सर हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे ये हमारे डिपकॉम साहब हैं, कि हमारी मांगें जायज़ हैं, आउट ऑफ लॉ कुछ नहीं है। इन सबका गुरु, इन सबका जो चेयरमैन और जो एलजी साहब हैं, जब वो जज कर रहे थे तो चीफ सेक्रेटरी और बाकी सेक्रेटरी की क्या हिम्मत है उस चीज़ को डिनाई करने की? दैट मीन कहीं ना कहीं इनकी खुद की खिचड़ी बनी हुई है, इन लोगों को खुद यस करते हैं और उसके बाद उनकी मांगे नहीं पूरी करते। अगर उस मई में हमारी मांगे पूरी हो जाती तो आज हम प्रोटेस्ट में नहीं आते। और मैं आपको ये बता दूं, ये खाली जम्मू से प्रोटेस्ट नहीं है, ये पूरी स्टेट से जितनी भी हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये के यूटी की, हर एक डिस्ट्रिक्ट से टीचर पिछले 18 दिनों से यहाँ बैठे हैं। और आप सोचिए कि मात्र 4000 सैलरी लेने के बाद ये लोग आज 20 दिन में कैसे गुजारा कर रहे हैं। कई लोगों के हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं रहे हैं, और कई लोगों को हमने अपने घरों में एडजस्ट किया है बड़ी मुश्किल से। तो आप सोचिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का इतना गंदा व्यवहार हमारे साथ, क्या ये जायज़ है? तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आज भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी सब्र की सीमा मत चेक कीजिए, कहीं ना ऐसा ना हो जाओ कि ये सैलाब आ जाए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। मुझे हार पहना और आज आपके सामने देखो, ये देखिए गेट बंद है, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम चोर है, कोई क्रेन किया हमने, हम फिजिकल एजुकेशन टीचर है सर, मेरी एजी साहब से मैं बार बार कहती कि सर, जो आपने 29 मई को हमसे प्रॉमिस किया था श्रीनगर में हमारे डेलीगेशन के साथ, उस डेलीगेशन को समय
निकालेंगे उसमें आपकी जो जितनी भी डिमांड्स है वो फुल भी होगी। और आज 8 महीने पे होने पे आ गया, जो एलजी साहब ने हमसे प्रॉमिस किया था वो पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्या मांग रहे हैं ऐसा जो वो पूरा नहीं कर रहे हैं? हमने क्या मांग लिया ऐसा जो हम पे लाठी बरसाई जा रही है? हमारी डिमांड वो फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन आप लाठी बरसाई गई कल तो सर, ये एलजी साहब को पता होगा कि उन्होंने हम पे लाठी क्यों बरसाई। सर अभी भी वही हाल है, हम फिजिकल टीचर है, हम शांति पूर्वक हम बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं और ये हमारा हाल कर रहे हैं। हम गोल्ड मेडलिस्ट है, हम नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है, हम सारे कुछ जानते हैं, हम फाइट करना भी जानते हैं। मैं खुद टाइगर जो की प्लेयर हूँ, मैं चाहूँ तो मैं 10 पुलिस वालों को मार सकती हूँ इस टाइम, लेकिन हम फिजिकल टीचर है, हम बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें ये रोड पर डंडे मारे, अगर मारनी है तो इनकी फीमेल कहाँ है? सर देखो अभी भी कोई फीमेल नहीं है, हम फीमेल टीचर को कंट्रोल करने के लिए मैन पुलिस लगाई हुई है। हम अपना दुखी से बताएंगे सर, हम कोई अनपढ़ नहीं है सर, हम फिजिकल एजुकेशन टीचर है, हम वो बोन है जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन देश की जो रीढ़ की हड्डी है आज सड़कों पे, उन्हें घसीटा जा रहा है, बाल खींचा जा रहे, मारा जा रहा है, क्यों कर रहे हैं ये लोग सर? हमारा एलजी साहब को क्यों नहीं सुनाई देता है? हमने एलजी साहब से ऐसा कुछ नहीं मांगा, हमने एलजी साहब से बताया था कि एलजी साहब जिस तरह अपने लेबरे तालीम टीचर लगाए थे, 5 साल उनका टाइम पीरियड रखा था, उनको पढ़ाने के लिए लगाया था, उनको एकेडमिक एजुकेशन देने के लिए लगाया था, उसी तरह हमारी भी पॉलिसी बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने बनाई, तो हम नहीं चाहते थे, उन्होंने बनाई और हमें जैसे आ रही थी टीचरों को पढ़ाने के लिए लगाया, ऐसे हमें स्कूलों में गेम खेलने के लिए लगाया। भेदभाव क्यों है? भेदभाव क्यों है? हम किसे बताएंगे? ना तो हमारी एलजी सुनते हैं, ना हमारी डीपकॉम सर सुनते हैं, ना ही बीजेपी सुनती है, ना ही सेंटर की सरकार तक पता चल रहा है। छोटी सी बात जम्मू कश्मीर होती है पूरे वर्ल्ड में पता चल जाता है। कल परसों फीमेल टीचरों को मारा है मैन पुलिस ने, वो इनको समझ नहीं आ रही है, वो पता नहीं चल रहा है इनको। मैम रो क्यों रहे हैं? सर मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि ये जो बोलते हैं ना कि खेलो इंडिया, पंचायतों में हम मैच करवाते हैं, एलजी ट्रॉफी हम करवाते हैं। सर मैंने इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है और मुझे परसों चौक में लाठी मारी गई है, वो भी मैन पुलिस वाले ने। मुझे फीमेल पुलिस ने नहीं मारा, मुझे मैन पुलिस ने मारा, मेरी जितने भी रेवरी खेल टीचर है फीमेल इनको सबने सबको मैन पुलिस मारी। इसीलिए सर आज हम धरने पे आए हुए हैं कि हम डीपकॉम सर से जवाब मांगने आए हैं यहाँ पे कि आपके राज में ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है? आपने उन पे एक्शन लिया जिन लोगों ने हमें मारा, आपने उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया? हम सर से हम एलजी साहब से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, जो आपने 29 मई को हमसे प्रॉमिस किया था डिमांड जो है वो फुलफिल करके 7 जून को आगे निकालेंगे, हम उसे आगे का इंतजार कर रहे हैं और आज भी उसी के लिए आए हैं, वही इंतजार है हमें। सर आपने हमारा जो हमसे प्रॉमिस किया अपना प्रॉमिस पूरा करिए, हम ये प्रोटेस्ट उठा देंगे। सर अगर सेक्टर में कुछ गड़बड़ नहीं चल रही है तो क्यों राज्य बचाई जा रही है? इसका मतलब जो उन्होंने ऑर्डर बोला था कि हम डस्टबिन में डालते हैं जो डिस्ट्रिक्ट, अगर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है तभी हम राज्य बचाई जा रहे हैं। और एलजी साहब से मैं ये कह दूँ और बीजेपी सरकार से कि जब तक हमारी जो डिमांड है हमारा ऑर्डर जो है रिटर्न में नहीं निकालोगे तब तक हम इसी तरह से लड़ाई करेंगे। मुझे शर्मा जी गुज़िश्ता दिन जब आप लोग अपने मुतालबात को लेकर मांग को लेकर धरना दिए हुए थे तो आप लोगों को हमारा भी इस वाले हमारा इतना नुकसान क्यों किया गया? हमारे 35 टीचर्स हैं वो आज इंजर्ड हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, एक साल तो इतना बुरा हमारा ही देखिए हमारे।
ये हमारे फोनों के हालात है, ठीक है, इन पे डंडे पड़े हैं। उसी दौरान टूटा? हाँ, ये फोन उसी दौरान टूटा है, इसमें डंडा पड़ा, अभी इस पे कवर था सर, फिर भी ये फोन टूटा है। सोच लीजिए अब वो जो इंसान पे पड़े होंगे वो कितने टूटे, ठीक है। और हमारा यही था, हम पीस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। आज हमारा 19वां दिन है, एक भी इंसान बता दें जिसको हमने पर्सनली डिस्टर्ब किया है या जो कंप्लेन डाल रहे हैं हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हम पीस करते हैं तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए था, ठीक है। उनको कोई हक नहीं था कि आप इम्प्लॉयज में एक टीचर पे डंडे बरसाओ। सर, हम वर्किंग टीचर हैं, हम अनएजुकेटेड या हम क्रिमिनल नहीं थे, हम कल्प्रेट नहीं थे। तो हम कल्प्रेट साबित हो तो आप हम पे डंडे बरसाते? हम एक शरीफ लोग हैं, शरीफ परिवारों से आते हैं, तो उन पे डंडे बरसाना कहाँ तक का इंसाफ है? अभी का क्या मैसेज रहेगा? अभी हमारा यही मैसेज है कि कॉम साहब से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली एलजी साहब से, एलजी साहब हर इंसान ने वो क्लिप देखी है जहाँ पे हम पे डंडे बरसे हैं, लेकिन हमने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी है। क्यों नहीं तोड़ी है? क्योंकि हम इंसाफ चाहते हैं, हम सच्चाई से अपना इंसाफ चाहते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि आप उस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी पकड़े और हमारे जो हजार जो है वो जस्टिस करें। हमारा टाइम पीरियड 5 के पास इसलिए आए हैं कि हमें जो परसों हमारे साथ हुआ फीमेल टीचर्स के साथ, मतलब मेम पुलिस वालों ने जो लाठी चार्ज किया, उसका जवाब पूछना चाहते हैं। उनको किसने ऑर्डर दिया? दूसरी बात, हमारी जो डिमांडें हैं वो दो ही डिमांड है, प्रोबेशन पीरियड कम करना और सैलरी में इंक्रीज करना। कितने अरसे से आप रहबर खेल में काम कर रहे हैं? हम पिछले 4 सालों से। 4 सालों से क्या आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ? कहाँ इंसाफ हुआ? इंसाफ होता सर, पिछले आप जानते हैं कि मेमो आया था तब तो एलजी सर ने खुद बोला था कि ये डस्टबिन में फैल, तो वो हमें पे अप्लाई हो गया।